थाना फ्लेम टावरी दे विच दरखास्त देने आ मजदूर हेलो भाई 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 हाल ही मंगा जी भाई साड़ी पूरी टीम वार्ड नंबर एक तो अज जिहड़ी कि वार्ड नंबर एक दे विच दुपहर दे टाइम ही खो हुई आ जिहड़े नशेड़ी बंदे द्वारा तो जिहड़े आ फैक्टरी वर्कर साढ़े नाल प्रवासी बंदे आ के जुड़े ने इन्हां दे नाल घट्टो घट नहीं साढ़े कोल लिस्ट पई आ भी जिन्हां नाल खो हुई आ 30 तो 50 बंदे ने जिन्हां नाल रोज़ मोबाइल खो हुंदा वा चीना छपटी हुंदी आ वार्ड नंबर एक सलिम टापरी थाना जी। हाँ जी, तो प्रशासन तो असं एक ही मंग करते हैं जी, थाने भी यही गल नूं चले जो दरखास्त देने लई भी जदों इन्हां दी छुट्टी हुंदी आ प्रवासी बंदे दी फैक्टरी दे विच 8 तो लैके 9 बजे तक PCR दा उत्थे गेड़ा जरूर वजे ताकि आ जिहड़ा चोरी वाला मामला थोड़ा जिहा घट हो सके। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर है हम सबके साथ गलियों में आए दिन चौक चौराहों पर डेली छीना झपटी हो रहा है, किसी को चाकू मार देता है, किसी को पैसा छीन लेता है, किसी का कुछ कर देता है। इसके लिए कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओ कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई डर के मारा वैसे भी नहीं जाता है। अब परदेसी हैं सब डरते हैं। अब परसों की बात है सर, मैं अपने बीबी और दो एक भतीजा और अपनी लड़की के साथ गया था अपने प्लाट पे घूमने कासाबाद, वहाँ पर हम 2 मिनट के लिए एक्टिवा रोके थे, वहाँ पर 3 बंदे आए काले काले, किसी ने एक पकवाना था ले रखा था रुमाल, वो मोटरसाइकिल रोक के हमारी लड़की से मोबाइल छीनने लग गया। हमने उसको रोकने की कोशिश की, उसने इतना बड़ा चाकू तलवार निकाल लिया और उसने हमारे भतीजे के गर्दन पर रख दिया। सरदार था सरदार। सर हम नगेश में काम करते हैं, हमारा नाम कृष्णा है, हमें यहाँ 15-20 साल हो गया काम करते लगभग, ठीक है जी, और लगभग 400-500 बंदे मेरे को जानते हैं क्योंकि मैं चाय की सर्विस देता हूं सबको, और आए दिन कोई ना कोई मोबाइल छीना और होता है। प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को रोका जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम प्रशासन की भी इज्जत करते हैं, कानून की भी इज्जत करते हैं, हम नहीं चाहते भाई कि प्रशासन के खिलाफ कोई पब्लिक भड़के, हम पुलिस और प्रशासन सभी की इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसको शांतिपूर्वक इस मसले को निपटा दिया जाए, हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, हमारी जो चोरी चकारी हो रही है, हमारे कई भाइयों को चाकू मार दिया गया है, इस पर रोक लगाया जाए बहुत ही जल्द।